अपने मार्गदर्शक के रूप में जिन्हें आज हम जबकि जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, उन्होंने एक लाइन भी कही, वो आपके जीवन के उद्देश्य के लिए जो अंग्रेजी की एक लाइन है कि ए लाइफ विदाउट पर्पज इज ए लाइफ विदाउट पर्पज इज लाइक ए सिख विदाउट रडर। ये लाइन आप दिमाग में रखिए कि एक जीवन जिसका कोई उद्देश्य न हो या उद्देश्य में जो जीवन होता है वो पतवार भूमि लौटा के समान होती है। इसीलिए फिर मैं आप सभी को एक बात कहूं कि आप अपने जीवन का एक उद्देश्य जरूर बनाइए। वो आप अब आप अभी नहीं बनाए हैं तो अभी आप पढ़ते लिखते आपस में चर्चा करते या लोगों को सुनते हमारे विचारों को सुनते ऐसा करते करते आप अपने उद्देश्य जरूर तैयार कर लीजिए जो आपके जीवन का एक प्रतीक बनेगा, जिसके लिए आपके जीने का एक सहारा भी मिलेगा और एक आशा भी निर्धारित हो जाएगी। इसी के साथ जानने के महान जिसके लिए आज बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित है, यदि इसी की चर्चा की जाए तो शायद पूरा दिन कम हो जाएगा और वाजिब बातें की जाए कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट को लेकर के एक महीने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है और ऐसा मैं आप सभी से विश्वास करूंगा या उम्मीद रखूंगा कि आप सभी भी अपने जीवन में कोई ना कोई आदर्श स्थापित करने का उद्देश्य जरूर लेकर चलेंगे। एक बात और कहते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। डिसिप्लिन को भी व्याख्या करते हुए या इसको परिभाषित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि एजुकेशन विदाउट डिसिप्लिन हैज नो मीनिंग, यानी अगर शिक्षा बिना किसी अनुशासन के है तो इसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए शिक्षा के साथ आप अपने अनुशासन को भी नहीं तोड़ सकेगा। ये बात कुछ संदेश में आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को देने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है विश्वास है कि आप सब जरूर उसका अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में आदर्श स्थापित करेंगे। मैंने तो अपने जीवन की एक प्रोफेशन बना रखी है कि आई एम नथिंग विदाउट माय स्टूडेंट्स और एजुकेशन। मैं तो विद्यार्थियों और बिना शिक्षा के और बिना विद्यार्थियों के लक्ष्य हूँ, मेरी पहचान हुई मेरे विद्यार्थी और मेरी शिक्षा है। इसीलिए मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी एक अच्छा प्रदर्शन करें, उसमें मेरी भी पहचान बनी हुई है। इसके लिए मेरे सारी शुभकामनाएं करते हुए फिर से मैं अपने माता पिता तथा गुरु माता पिता मुझे आज इस स्थान पर पहुंचाने में जिन गुरुओं ने योगदान दिया है ऐसे सारे शिक्षकों को मैं यहाँ इस मंच से अपना हार्दिक प्रणाम लेता हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए।